स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जो जो कि दो कैनल्स को ऐसे जोड़ता हो, ऐसे बोट लिफ्ट करता हो, वो भी रोटेटिंग बोट लिफ्ट करता हो। ये पूरी दुनिया में ये यहीं इसी जगह स्कॉटलैंड में ही मौजूद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना। आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। कैसे हैं आप? तो आज हमारे ट्रिप का है थर्ड डे और आज हम जाएंगे सेंट्रल स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर करेंगे। अब हम सेंट्रल स्कॉटलैंड के सबसे पहले स्टॉप फाल्कनक्वील पहुंच गए हैं। फाल्कनक्वील जिस टाउन में है उस टाउन का नाम है फाल्का। आप ये सोच रहे होंगे ये फाल्कनक्वील है क्या चीज़। तो स्कॉटलैंड में कई सारे कैनल्स यानी कि नहरें हैं जो कि एक ज़माने में ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन हुआ करती थी। जब गाड़ियों का आना शुरू हुआ तो उन कैनल्स का यूज़ कम हो गया, तो 2002 में काफ़ी सारे कैनल्स को फिर से जोड़ने का एक साथ फिर से काम शुरू हुआ। उनमें से एक फोर्थ एंड क्लाइड कैनल जो कि यहाँ है, उसको यूनियन कैनल जो कि इस जगह से 80 फुट ऊंचाई पर है, उनको जोड़ने का काम शुरू हुआ। तो इस बोर्ड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस व्हील में बोट्स को लिफ्ट करके यूनियन कैनल में 10 मिनट से भी कम टाइम में पहुंचाया जाता है। यहाँ आप देखिए कैसे बोट को व्हील्स के बीच में लॉक किया जाता है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ग्रेविटी का यूज़ करके उनको दूसरे कैनल्स में पहुंचा जाएगा। ये जो फाल्कनक्वील का आप जो ये सीन देख रहे हैं ये अपने आप में ही दुनिया में इकलौता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जो जो कि दो कैनल्स को ऐसे जोड़ता हो, ऐसा बोट लिफ्ट करता हो, वो भी रोटेटिंग बोट लिफ्ट करता हो। ये पूरी दुनिया में ये यहीं इसी जगह स्कॉटलैंड में ही मौजूद है। यहीं पे एक छोटा सा पार्क भी बना दिया है और पार्क देख के बच्चों का क्या हाल हो सकता है, सब दौड़ते हैं। जगह है कैल्पीज, हॉर्सेस को एक आर्टिस्ट ने बनाया है, मिस्टर स्कॉट उनका नाम है। और ऐसे उन्होंने पूरे यूके में बहुत जगह अपने स्कल्पचर्स बनाए हैं और ये दोनों स्कल्पचर्स, इन दोनों हॉर्सेस के भी नाम हैं, हॉर्स हेड्स के नाम हैं। एक का नाम है बेन और एक का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये पूरा विजिटर सेंटर है, उन्हीं के छोटा वर्जन यहाँ पे है। केल्पीज के दो हॉर्सेस 70 टन्स इनका वेट है और हाईएस्ट स्कल्पचर्स इन द यूके। यहाँ पानी बह रहा है। ओह, ये कैनल है। पूरा कैनल्स का सिस्टम है और ये कैनल्स के ऊपर ही बना हुआ है। एडिनबर्ग ग्लासगो में काफी सारे कैनल्स हैं। काफ़ी सारे कैनल्स का यहाँ पे लिंक है। पहले तो यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट उतना यूज़ में नहीं था, तब तो कैनल्स का यूज़ किया जाता था, तो अभी वो शो के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो कैनल्स के ऊपर ही इन दोनों हॉर्सेस की स्कल्पचर्स बना दिए हैं। एक कैनल है और कैनल के ऊपर वही बोट हाउस बोट्स सब चल रहे हैं।
अब हम आ चुके हैं स्कॉटलैंड के कैपिटल यानी कि एडिनबरा सिटी में। ये बिल्डिंग है ब्यूट हाउस कैरलेट स्क्वायर में। ये है स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर यानी कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस। ये जो आप ग्रीन स्पेस देख रहे हैं ये है एक प्राइवेट गार्डन जो कि इस एरिया के जो रेसिडेंट्स हैं सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। सबके पास इस एरिया के लोगों के पास एक चाबी है, वही इस गार्डन के अंदर जा सकते आ सकते हैं। ऐसे टूरिस्ट कोई इस गार्डन को यूज़ नहीं कर सकता है। हम हैं अभी एडिनबरा सिटी में जो कि 7 हिल्स के ऊपर बसा हुआ है और स्कॉटलैंड का सबसे पॉपुलेशन वाले शहरों में ये सेकेंड नंबर पे आता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्लासगो सिटी में है, उसके बाद एडिनबरा ये सिटी सेंट गिल्स कैथेड्रल है और इसी के चबूतरे में किसी की स्टैचू है। और इस लेन का नाम है रॉयल माइल। यहाँ पे सारे शॉपिंग के सारे शॉप्स हैं, शॉपिंग डेस्टिनेशन माना जाता है। अभी भी रॉयल माइल लेन में ही वॉक कर रहे हैं और इस स्ट्रीट की लेंथ है करीबन 1.6 किलोमीटर यानी कि एग्जैक्ट 1 माइल, तो इसीलिए इस लेन का नाम है रॉयल माइल। तो एडिनबर्ग का ये सबसे बिजी स्ट्रीट में से एक है। एडिनबरा में मेडिकल साइंसेस के वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस हैं और इसी से ही होता है इंडिया के साथ गहरा कनेक्शन। इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली ने यहीं से अपने मेडिकल प्रैक्टिस की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने एडिनबरा से जाकर वापस इंडिया में अपनी प्रैक्टिस वहां पे शुरू की। स्कॉटलैंड में विस्की वाइन बहुत फेमस है, इसीलिए इतने सारे विस्की के शॉप्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर की फैक्ट्रीज हैं, सब चल रहा है, विस्की का बिजनेस आ रही है। देखिए सब स्कॉटिश कपड़े, ट्रेडिशनल स्कॉटिश कपड़े। काफ़ी हिस्टोरिक शहर है इसलिए इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। जिस तरफ भी नज़र घुमाते हैं वहाँ पे पुरानी ही बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। ये स्टेशन का एरिया है, एडिनबर्ग स्टेशन है। हम पहाड़ी के रास्ते में चल रहे हैं ऊपर और जहाँ जाना है एडिनबर्ग कैसल। एडिनबर्ग कैसल यहाँ से करीबन 8 मिनट का रास्ता है लेकिन पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है। वेदर अच्छा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ये देख सकते हैं पूरी स्लोपी स्लोपी रोड्स हैं। वहाँ थे अब यहाँ आए हैं, और भी थोड़ा ऊपर जाना है। ये एक्चुअली पता ही चल रहा है कि हम पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं और इस जगह का नाम है द माउंट, एक माउंटेन, माउंटेन के ऊपर ही चल रहा लगता है। देखिए और यहाँ से पूरा शहर है। ओ, फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं। कैसल और उसके नीचे ये पूरा एडिनबर्ग शहर, और ये तो पूरा उसके ऊपर है, एक पहाड़ के ऊपर है, तो आप देख ही सकते हैं। पूरे पत्थरों का ही कैसल है।
नीचे भी पत्थर है, पत्थर है साइड के, सिंस ये पहाड़ के ऊपर है। ये कैसल की अंदर से एडिनबर्ग का व्यू, इतनी ऊंची दीवार है, मेरा बेटा नहीं देख सकता था इसीलिए उसको गोदी में लेना पड़ा क्योंकि उसको भी देखना है। हम वहां नीचे थे, उस जगह में थे जहां पे वो ब्लैक कलर की आप बिल्डिंग एक देख सकते हैं, हम वहां थे, वहां से पैदल चलते चलते यहाँ पहुंचे। और यहाँ रखे हैं कुछ तोप, गन, तोप, ब्लास्टर। वहां नीचे आप देख सकते हैं एक ट्रैम जा रही है। ये साइड एडिनबर्ग का, ये है न्यू टाउन, एडिनबर्ग न्यू टाउन, जो कि 1793 में कंस्ट्रक्ट हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ओल्ड टाउन जो इसके पीछे में है वहाँ पे, वहाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी, घरों की बढ़ गए थे कि यहाँ जगह नहीं था, तो इसीलिए इस साइड में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ टाउन का। और इसके आर्किटेक्ट थे जेम्स क्रेग, जो कि 26 साल के थे। और इस साइड ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। ये फिर से चढ़ गया है मंकी बेबी। शहर देखिए, और ये देखिए कैसल। पहाड़ के ऊपर ही अभी भी लग रहा है कि चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। यहाँ पे प्रिजन थे और प्रिजनर्स के लैट्रिन से यहाँ पे, ये जेल खाने की खिड़की है, और जेल खाने की खिड़की से यहाँ दिखता है पूरा ओल्ड टाउन। उस साइड देखा था हमने न्यू टाउन, ये है ओल्ड टाउन। और सोचिए क्या जिंदगी रही होगी, देखने के लिए तो इतना अच्छा शहर का नज़ारा देख सकते हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर सकते। चलिए ये एक और प्रिजन का पार्ट है। रूम हीटिंग, ये खिड़की थी उनके रिक्रिएशनल के लिए, प्रिजनर्स के लिए। ऊपर से पानी गिरा है, हेड हेड बचावे, हेड बचावे, इट्स सो डिंजी, हेड बचावे। पहले ये ग्रेट हॉल था, राजाओं की ताजपोशी यहाँ होती थी, किंग जेम्स फोर्थ की ताजपोशी यहाँ हुई थी, उसके बाद से रॉयल लोगों की
कोई भी सेरेमनी अगर स्कॉटलैंड में होती है तो वो यहाँ होती है। सब तलवारें रखी हैं, सारे वेपन्स यहाँ रखे हुए हैं जो कि वहाँ वॉरफेयर में कभी यूज़ हुए थे। ये एक बार जब राजा ने बनाया, जेम्स ने अपने कोरोनेशन के बाद, उसके बाद ये सोल्जर्स का एक बैरक भी बना था, तो इसीलिए सोल्जर्स के और भी ज़्यादा सामान यहाँ रखा हुआ है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर राजघराने की सब ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन इसके अंदर घुसने के लिए अभी करीबन आधा घंटा टाइम लगेगा, तो हम नहीं देख रहे हैं, हम दूसरे पार्ट चलते हैं। 10 9 8 यहाँ पे कुआं है जो कि 500 साल पुराना है, और ये कुआं ही करीबन पूरे कैसल का वाटर सप्लाई दिया करता था जो यहाँ के लिखा हुआ है, और लेकिन फिर भी ये कुआं कभी भी किसी पूरे वाटर सप्लाई के डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था। गेट डाउन। कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पे। ये चैपल जो है इस बिल्डिंग का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। कैसल से बाहर जाने का रास्ता भी यही है, एक चैपल है। सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और देखिए यहाँ से भी पूरा शहर कैसे दिख रहा है। गिनती गिनती उतरा है, 68 सीढ़ियाँ हैं यहाँ। हाँ, हमने यहाँ से शुरुआत की थी अपने घूमने की और वापस इसी जगह में पहुंच चुके हैं। लैंग स्टेयर्स, इन सीढ़ियों का नाम है लैंग स्टेयर्स। इसी के साथ ही एडिनबरा सिटी एंड कैसल का टूर यहीं ख़त्म हुआ। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और आपको कैसा लगा ये आज का वीडियो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।